देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी जामुन लगी हुई हैं। ये सारा पेड़ जामुनों से भरा पड़ा दोस्तों, देखिए जामुन खा के मज़ा आ जाएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का रणवीर बठिंडा चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी मस्त होंगे। तो दोस्तों आपको पता ही है आजकल बारिश का मौसम है, तो और जामुन का सीजन भी बहुत ज़्यादा है ना रे। नहीं तो अभी हम फिलहाल खेत की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे कोई जामुन का पेड़ देखेंगे, वहाँ पे जामुन वगैरह बहुत सारी लगी होती है दोस्तों। और एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, जो जामुन वगैरह लगी रहती है उनके बीच में कुछ हरी जामुन भी आपने देखी होंगी। तो बारिश का मौसम है जिससे क्या होता है, वो कच्ची जामुन है वो भी पक के रेडी हो जाती है दोस्तों। तो फिलहाल अभी हम घर से निकल चुके हैं और रीना जी मेरे साथ में है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा आगे चल के पहुँच गए हैं, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी छल्ली लगी हुई है। तो गाइस, किसे किसे छल्ली पर नींबू लगाकर पसंद है कमेंट में लिखें। दोस्तों हम रोड के ऊपर आ चुके हैं और इसी रोड से होके हम आगे से लेफ्ट मुड़ेंगे। तो दोस्तों अभी 2-3 मिनट की दूरी रह गई है, तो अब फिलहाल अभी पहुंचने वाले हम। तो दोस्तों हम जामुन के पेड़ के पास पहुंच गए हैं। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं पेड़ पे कितनी सारी जामुन लगी हुई है दोस्तों, तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों खा के। दोस्तों जामुन मज़ा आ गया खा के। तो गाइज हमें जामुन बीनते होते ना, मुझे एक कुआ दिखा है, आ जाओ आपको। तो दोस्तों अभी रीना जी जामुन इकट्ठे कर रही है यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने जामुन इकट्ठी कर ली है, तो अभी रीना जी आपको दिखाने जा रही है यहाँ पे। तो गाइस बहुत अच्छी और मीठी जामुन है, बहुत ही टेस्टी है, काली यम्मी बहुत है, काली जामुन है, बहुत टेस्टी लगती है, काली बननी है, देखो दिख ही नहीं रही वो तो। तो दोस्तों हमने जामुन तोड़ लिए हैं, तो फाइनली हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी दोस्तों, तो फिलहाल हमें ब्लॉग यहीं पर समाप्त करना पड़ रहा है। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वह भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।